नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में वकील ने बयान दिया नुपुर की बयानबाजी को लेकर। यह बयान सामने आए सुप्रीम कोर्ट में नुपुर के बचाव में बोले हैं वकील, और दूसरे पैनलिस्ट ने नुपुर को उकसाया था। यह सफाई पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकीलों के द्वारा, और यह कहा गया है जिस टीवी डिबेट में उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसमें पैनलिस्ट ने उन्होंने उकसाया, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने इस तरह का बयान दिया था। और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त टिप्पणी कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे देश में इतनी एफआईआर होने के बावजूद अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। इसका तो एक ही चीज है, समीर भाई भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अंजलि भी जानती है, जानते शलभ मणि भी। कहते हैं ना कि किससे करे शिकायत, कैसी है दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। सच बात यह है कि नुपुर शर्मा के अलावा अगर कोई और होता तो अब तक गिरफ्तार होकर के जुबैर को कर तो लिया ना गिरफ्तार, और एक ऐसे ट्वीट पे गिरफ्तार किया है जिस ट्वीट के मालिक का आता पता नहीं है, वो गायब हो गया है। तो ये इनका दोहरा रवैया है, दोहरा मापदंड है। ये अपने लोगों को बचाने में किसी भी हद तक जाते हैं, और ये इनकी अपनी पार्टी का मामला है। बिल्कुल शलभ जी, आखिर शुरू से शलभ शुरू से सवाल यही उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी टिप्पणी जिसको लेकर इतने सारे एफआईआर, पूरे देश में प्रदर्शन और उदयपुर जैसी घटना, उसके बावजूद अब तक चाहे वो नवीन जिंदल हो या फिर चाहे वो नुपुर शर्मा हो, दोनों अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं और आपकी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, आखिर हो क्या रहा है, क्यों अरेस्टिंग नहीं हो रही है? लेकिन मुकदमा तो नुपुर शर्मा के खिलाफ और राज्यों में भी हुआ, जहां भाजपा की सरकार भी वहां पर भी हुआ, तो क्या वहां की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली? दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहा है, निश्चित तौर पर जवाबदेही सबकी है, लेकिन जरा सुरेंद्र जी से पूछिए कि बूंदी के मौलाना ने, जिसने खुलेआम लाखों लोगों की भीड़ के सामने कहा कि नुपुर शर्मा का गला काटो, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? क्यों नहीं कार्रवाई उसके खिलाफ हुई? और उसके बाद तो उदयपुर में गला काट भी दिया, कन्हैयालाल जी थाने पर भी गए थे, थाने पर कह के आए थे मार देंगे, उल्टे कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके पुलिस ने टॉर्चर किया कि समझौता करो, और समझौता किससे कराया? आतंकवादियों से, जिनको आज सुरेंद्र जी भी कह रहे कि हाँ वो आतंकवादी है। तो ये उदयपुर और राजस्थान की पुलिस क्या है,